गवर्नर साहब ने सुना चलो बाहर तक आए लाड़ से प्यार से उन्होंने हमें सुना है ऐसी बात नहीं मेनू मरवाया तो ना कुछ नहीं हुआ आपको ज्यादा लाड़ मिल गया आपको बाद में ज्यादा मिल गया मैंने मैंने कहा भी ना मैंने कहा जो दिल दिल पे आपने इसका दिल आशीर्वाद से हमारे लिए सर काफी दिनों से आप शनिवार से एक मांग पर अड़े हुए कि जो ऑर्डर निकाला गया था आपके लिए उसको वापस लिया जाना चाहिए अब सरकार ने आज एलजी ने बुलाया था क्या बातचीत हुई देखिए बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हुई है हमारी एलजी साहब ने हमारी पूरी बात सुनी जो हमारे खर्चात थे उन्होंने बड़े अच्छे तरह से सुने और हमें यकीन दहानी दी है कि आपके खर्चात को हल किया जाएगा और जो आप चाहते हैं वो ठीक होगा उनकी भी मंशा ये जो हम कहना चाहते थे उनकी भी मंशा उन्होंने कहा कि मेरी भी मंशा यह है कि पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है वो बहुत मजबूत हो और जम्मू कश्मीर से जो पंचायती राज निकले वो एक मॉडल बने तो उन्होंने हमारे जो जज्बात थे उनको समझा है और आश्वासन दिया है कि आपके जो आपकी जो जो आपकी मंशा है उसको पूरा किया जाएगा देखें उन्होंने तो राइट हमारे जाने से पहले तकरीबन हमारी बातें वहाँ पहुँच चुकी थी कि हम क्या चाहते हैं प्रोटोकॉल के मतलब में है और हमारा और कौन कौन सा CDF का था जैसे कि कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड है जहाँ जैसे हिमाचल में उन्होंने 1 करोड़ रुपया रखा हुआ है एक DDC मेंबर को इस तरह के बहुत सारे मुद्दे थे तो उन मुद्दों के ऊपर मुझे लगता है उन्होंने डेलिब्रेशंस कर रखे थे तो वहाँ पे हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब को भी बुला रखा था और जो सेक्रेटरी RDD हैं शीतल नंदा जी वो भी वहाँ पर मौजूद थी और हमारे जो ये 12 के 12 साथी थे ये भी यहाँ थे और सब ने खुल के बात रखी है और उन्होंने खुल के बात सुनी है और उन्होंने बोला कि आप जो आप सोच रहे हैं उससे ज़्यादा ही मजबूत करेंगे तो और ये मीटिंग्स एक ही मीटिंग में सब कुछ ख़त्म होने वाला नहीं है ये भी उन्होंने प्रपोजल रखा कि जब आगे इसको ड्राफ्ट करेंगे बिल को तो उसमें ये जो है सभी की राय और जो ली जाएगी और उसमें टाइम टू टाइम इसमें मीटिंग्स की ज़रूरत होगी और जो ये हम 12 मेंबर आए हैं इनको दोबारा वो बुलाएंगे और जो वो ड्राफ्ट फाइनल होगा तो उनसे डेलिब्रेट कर लिया जाएगा तो जो आपकी डिमांड थी कि इस ऑर्डर को वापस लिया जाए और आपको जो पोर्टफोलियो प्रोटोकॉल जो है वो मिलना चाहिए क्या उस पर कोई बात हुई है वापस जी 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 वापस लेने क्योंकि जब उन्होंने बोल दिया कि इसको रीड्राफ्ट किया जाएगा तो दैट मीन्स दैट ऑर्डर स्टैंड्स कैंसल्ड जब गवर्नर महोदय ये कहते हैं कि ये जो है इनसे पूछकर ये जो कर लिया जाएगा दोबारा तो दैट मीन्स दैट ऑर्डर स्टैंड्स कैंसल हिज वर्ड इज मोर देन इनफ कि उन्होंने ये कहा है कि भाई हम इसको जो है रीड्राफ्टिंग में जो है इनको हमारी जो है राय ली जाएगी हमारी जो कमेटी मेंबरान है इनकी राय ली जाएगी तो उसमें मेरे मुझे नहीं लगता कोई भी साथी ऐसा है चाहे वो कश्मीर से था जम्मू से था कहीं किसी भी कोने में से था तो उनकी बात सुनी गई है और उन्होंने बोला है कि आपको जो ये जो बनाया गया है ये जो 3 टायर जो DDC इसको सशक्त करने के लिए बनाया गया कमज़ोर करने के लिए नहीं और इसमें वक्त लग सकता है कि जैसे कि पावर ट्रांसफ़र करने में जो है वो पहले भी वक्त लगा बड़ी मुश्किल से अब बैक टू विलेज में कई जगह वो बता रहे थे इंस्टांसिस बता रहे थे चीफ सेक्रेटरी साहब के जो BDC को चेकबुक को हैंडओवर कराने से BDO से कितना वक्त लग गया 6 महीने लग गए तो उस तरह वो कह रहे हैं कि ये पावर ट्रांसफ़र में जो है एक समय लगा है सिंस इट इज़ न्यू टू द स्टेट तो उसमें वक्त लग रहा है बाकी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि वो हो जाएगा बाकी ये भी एजेंडा हमने सामने रखा कि DDC के बाद और BDC के ऊपर DDC जो ऊपर है तो उसको डिफ्रेंशिएट किया जाए वो भी उन्होंने माना और उस पॉइंट को नोट किया फिलहाल कॉल ऑफ है बिल्कुल कॉल ऑफ है क्योंकि ये सभी साथियों का यही मानना है कि क्योंकि हमें कहीं भी गवर्नर महोदय जी ने ऐसा नहीं कहा कि जिससे ये लगे कि हमारी बात नहीं मानी जा रही ये तो संतुष्ट हम इस बात पे संतुष्ट हैं एक क्लेरिफिकेशन मैं दूंगा अभी जो मीडिया में ये कहा गया था कि हम आंदोलन पे है इट वॉज नेवर लाइक दैट वी आर नॉट फाइटिंग फॉर समथिंग वेरी पर्सनल Basically, we all were fighting to strengthen the basic institution of Panchayati Raj. अब मीडिया में किस तरह से ये प्रोजेक्ट हुआ कि ये जो प्रोटोकॉल वाला मसला है ऑनरेरियम वाला मसला इट वॉज नेवर दैट
आवर इंटेंशन वाज कि जो कंसीव किया गया है आइडिया, उस आइडिया को मजबूती प्रदान करने के लिए इस इंस्टीट्यूशन को मजबूत किया जाए। और आज जब हमें लगे कि एलजी साहब भी इसी आइडिया के साथ है तो आंदोलन वाली बात ही नहीं रही इसमें। बिकॉज वो कुछ लोगों का प्लांटेड लोग थे जो लोगों को पैसे दे के बुलवाया जा रहा था कि ये हम पता नहीं किसी ऑनरेरियम के लिए लड़ रहे हैं, ऐसा कतई था ही नहीं। हम ऑनरेरियम की नहीं, ये स्टेटस की बात थी, ये हमारे इंस्टीट्यूशन की पावर की बात थी, जो हम डीडीसी के चुन के आए हैं चुनाव, उनकी उनको स्ट्रेंथन करने की बात थी। बाकी हम किसी ऑनरेरियम के लिए नहीं लड़ रहे थे। भले अलबत्ता वो एक अलग से सिस्टम है, वो सरकार खुद देखेगी, लेकिन हम जो मेन मुद्दा था वो था हमारा जो प्रोटोकॉल है, एम्पावरमेंट ऑफ द पीआरआई है, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी ने जो ख्वाब देखा उसको पूरा करने की बात थी। हमें एक ऑनरेरियम एक रुपया दे दीजिए, हमें उससे कोई गरज नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन हमें पावर्स दे दीजिए ताकि हम अपने लोगों के जो उनकी आकांक्षाएँ हैं, जो उनके मुद्दे हैं, जो उनके मसले हैं, उनका अजाला और उनके निवारण कर सकें। हमारी सिर्फ और सिर्फ लड़ाई जो है वो ये है। मैं डॉक्टर शमशाद शान चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट रामबन। आज हम गवर्नर साहब से हमारी मुलाकात थी क्योंकि हमारा जो पीछे दो दिन का प्रोटेस्ट रहा था तो हमने कॉल ऑफ किया था क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हमें आज मुलाकात थी। आज हम गवर्नर साहब से मिले जिसमें हम 12 नंबर की जो कमेटी है वो गवर्नर साहब से हम लोगों ने मुलाकात की, तो गवर्नर साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों को सुना। हम लोगों ने रिटर्न में एक मेमोरेंडम भी दिया गवर्नर साहब को, और उन्होंने जिस तरीके से जो हमारी डिमांड्स थी, जो हमने डिमांड रखी थी गवर्नर साहब के सामने, उनको उन्होंने पूरे विस्तार से हम लोगों को एक एक करके उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर का जो पहली बार डीडीसी काउंसिल इलेक्शन यहाँ पर हुआ है, और उन्होंने ये कहा कि इसको लागू करने में हमें वक्त लग सकता है। जो पिछले दिनों हमारा ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस निकला था उसको रीड्राफ्ट करने की ज़रूरत उन्होंने बोली कि इसको हम दोबारा से रीड्राफ्ट करेंगे और इसमें कोई भी जो हम लोगों ने पहले जो पावर्स रखी थी उनको चेंज करके दोबारा से इसको बनाया जाएगा, और जैसे ही इस पर काम होगा दोबारा से कमेटी मेम्बर्स को पूछा जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि ये जैसे ही रीड्राफ्ट होकर हमारा ये प्रोटोकॉल या जो भी प्रेसिडेंस आती है, और हमने ज़्यादातर वहाँ फोकस अपने कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड को लेके किया और एम्पावरमेंट ऑफ काउंसिल्स को लेके हमने जोर दिया, क्योंकि जब एम्पावरमेंट ऑफ काउंसिल्स होंगी तो तभी हम इलाके के लोगों का काम कर सकेंगे, जो डेवलपमेंट हम करना चाहते हैं तभी हम वो भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आज की मुलाकात हमारे गवर्नर साहब के साथ एक अच्छा मैसेज लोगों में और अच्छा जो हम चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं, वो निकल के सामने आ जाए। इस मीटिंग के बाद जो है आपका धरना जो है? देखिए धरना तो सिर्फ हमने तो सिर्फ प्रोटेस्ट दो दिन का किया था, और हमने उसी दिन से कॉल ऑफ किया था क्योंकि हमें उम्मीद थी कि गवर्नर साहब हमारी बात ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि ये लोगों की बात है, ये हमारी नहीं थी, ये कोई पर्सनल इशू नहीं था, ये लोगों की डिमांड थी और उन्होंने इसको अच्छे से लिया है, और इंशाल्लाह जैसे ही नेक्स्ट मैसेज हमें आता है तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे।